हम डिस्कस कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम आगे फर्दर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए, पहला क्वेश्चन है a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 cm by means of 5 meter long rope, ठीक है। स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड आपको दे रखी है 15 मीटर, ठीक है। अब एक रोप के थ्रू एक ग्रास, एक रोप के थ्रू एक हॉर्स जो है वो टाइड है, ठीक है। और हॉर्स जो है वो इस फील्ड में क्या कर सकता है, जो ग्रास है उसको ईट कर सकता है। ये जो रेडियाई है, ये जो थ्रेड है, इसकी रेडियाई आपको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है, सॉरी 5 मीटर। सो क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। तो आपको क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट। जैसे ये पॉइंट ले लिया आपने ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो इस सेक्टर का एरिया आपको कैलकुलेट करना है जिसकी रेडियस 5 मीटर है और ये एंगल ये 90, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल का वैल्यू क्या होता है, ईच एंगल इज 90। सो द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, ठीक है, तो वो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी ए बी सी डी, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी डी कैलकुलेट करता है, तो दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 × 5, ये 1, ये 4, ये 2, ये 11, so 11 into 25 divided by 14, ये एरिया आपका रहेगा जिसके अंदर वो ग्रेस क्या कर सकता है, आपका ग्रेस कर सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर, नेक्स्ट है, इसी का बी पार्ट है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ 5। यदि ये रोप जो है वो 5 मीटर के बजाय यदि 10 मीटर की हो जाती, कितनी हो जाती, 10 मीटर की, तो इतना एरिया वो ग्रेज करता, 5 मीटर के बजाय वो कितनी हो जाती, 10 मीटर। तो आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द इंक्रीज इन एरिया, ये इनिशियल एरिया है। अब सपोज आपको बोला कि एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस और रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 10 मीटर, रेडियस आपको 5 मीटर के बजाय कितनी दे रखी है, 10 मीटर। सो अगेन एंगल थीटा इंटू 360 ये आर वन ले लिया इंटू पाए आर वन स्क्वायर, तो 90/360 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10, ये 1, ये 4, ये 2, ये 11, ठीक है, ये 1100/40 मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनल एरिया है, ये इनिशियल एरिया, तो इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, इन दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इंक्रीज इन एरिया 1100/40 − 275/14 एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो दैट इज 825।
That will be the increase in the area if the length of a rope is increased by and it becomes 10 meter instead of 5. Is it clear? Yes, sir. Next question देखिए. आपको question दिया है. A brooch is made with a silver wire in the form of circle with a diameter 35 mm and the wire is also used in a making a 5 diameter which divides the circle into 10 equal sectors. Find the total length of silver wire and the area of each sector of the brooch. ठीक है, एक ये एक सिल्वर वायर से ब्रूच बनाया है, ये सर्कल और ये 5 डायमीटर, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 डायमीटर और ये जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है ये सिल्वर वायर से बनाया है. ठीक है, अब आपका सेक्टर कौन सा हुआ, सेक्टर ये वाला. अब आपको ये डायमीटर कितना दिया हुआ है, ये डायमीटर आपको दिया हुआ है, जैसे ये ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, डायमीटर आपको दिया हुआ है 35 mm, ये वो है. सो डायमीटर ऑफ सर्कल आपको दिया हुआ है 35 mm यानी 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 / 2, 7/4 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी. अब आपको ये जो ब्रॉच बनाया है उसमें ये सर्कमफेरेंस और ये जो सिल्वर वायर है, ये सॉरी डायमीटर है, 5 डायमीटर, ये सिल्वर वायर के हैं. तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कैसे आएगी, पहला पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 × लेंथ ऑफ डायमीटर. तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया 2πr प्लस 5 × 2r, क्योंकि डायमीटर का लेंथ होता है 2r, ये हो गया 2πr प्लस 10r. r की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, 2 × 22/7, r की वैल्यू है 7/4 प्लस 10 × 7/4, 7 से 7 कैंसिल, ये 2, ये 11, 11 प्लस ये 2 और ये 5, 35/2, तो ये हो गया 22 + 35/2, 7, 57/2, तो 2 28.5 सेंटीमीटर. कितना आ गया, 28.5 सेंटीमीटर. अब आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे. रेडियस 7/4 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ सेक्टर लेबल कर लेते हैं ओ, ये सी और ये डी, ओ ए सी डी, थीटा अपॉन 360 × πr², ये थीटा कितना होगा. देखिए कितने सेक्टर बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. तो थीटा कितना हो जाएगा, 360 / 10, 36 डिग्री. ये कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, 36 / 360 × 22/7, r की वैल्यू
7 बाय 4 इंटू 7 बाय 4, ये 1, ये 10, ये 7 से ये 7 गया, ये 2, ये 11, ठीक है, तो ये आ गया 77 बाय 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. So that is the area of a single sector of a brooch. Is it clear? Any doubt? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नाउ एज यू नो द फोर व्हीलर जो आपकी कार होती है, उस कार के अंदर आपकी जो आपकी फ्रंट विंडस्क्रीन है उसके अंदर उसके ऊपर दो वाइपर लगे रहते हैं. क्या लगे रहते हैं? दो वाइपर जो दोनों कभी भी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते. तो आपको बोला है क्वेश्चन क्या है, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वैपिंग थ्रू अ एंगल ऑफ 115 डिग्री. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट द ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड. तो टोटल कितना एरिया कवर्ड कर रहा है द ब्लेड ऑफ अ वाइपर. तो एरिया वही सेक्टर का रहेगा. देखिए जैसे ये आपकी ये ब्लेड है, ठीक है, तो ये जैसे ऐसे ये आपकी विंडस्क्रीन है, तो ये ऐसे घूम रहा है, वाइपर ऐसे घूम रही है. ये लेंथ आपको दे रखी है 25, ब्लेड की लेंथ आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा आपको कितना दिया हुआ है, 115 डिग्री. सो एरिया क्लीन बाय ब्लेड ऑफ वाइपर दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू 115 डिग्री है, आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर. 115 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर की वैल्यू है 25 इंटू 20. ठीक है, अब कैलकुलेशन है, कोई भी डेटा आई थिंक कैंसिल नहीं हो रहा है. ये 5 से 5 का ये 72. ये नहीं हो रहा है. ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 115 इंटू 22 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 72. ये एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है. ठीक है, चलिए कैलसी से कैलकुलेट करके बताइए मेरे को कि ये एरिया कितना आ रहा है. कितना आ रहा है ये एरिया? 7 इंटू 72 है. हाँ,
सर। हाँ मुझे फिगर में बोलो, 36,000 है, 100 है, 3,69,6,428। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? यस सर, इधर ही आ रहा है। क्या आ रहा है ये? हाँ दिशा, कैलकुलेट करके बताओ। वन, हाँ बोलो तो नीचे क्या आ रहा है? ऊपर क्या डिजिट आ रहा है? ऊपर आ रहा है 316250। क्या कर रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ सर। एक सेकेंड चालू रखो। हाँ सर अब भी आया। हमने क्या, मैंने सर क्या किया, पहले के ऊपर का पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको डिवाइड किया, नीचे का भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना था सर। सबके अलग 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 आंसर है सर। अभी मुझे ना मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी सिखाना पड़ेगा। अच्छी बात है। थैंक्स सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। So answer is 627.48 centimeter square. तुम खुद सोचो, आपकी फोर व्हीलर की जो कार की जो ब्लेड है वो 3 crore सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया स्वीप आउट कर रही है। इज इट पॉसिबल? तो मतलब कुछ तो आंसर का लॉजिक होना चाहिए मेरा। सर हम क्या करें, कैलसी की गलती नहीं है बेटा ये। तुम कैलकुलेशन गलत, इनपुट गलत डालोगे तो आउटपुट गलत ही आएगा ना, मशीन का क्या दोष? तो मैंने भी तो वही डाला। चलिए ठीक है। नाउ अ राउंड टेबल कवर हैज अ 6 डिजाइंस इक्वल डिजाइन एज अ शोन इन अ फिगर। ठीक है, ये आपका एक टेबल कवर है जिसमें ये डिजाइन बनी हुई है। आपको बोला है द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। आपको पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट क्या दे रखी है? 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल डिजाइन बतानी। तो आपको ये डिजाइन बनाने के लिए देखिए, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, इस डिजाइन का एरिया निकालना है और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका बेसिकली क्या है, एक सेगमेंट है। क्या है? सेगमेंट। जैसे ये सर्कल ओ, ये ए, ये बी सी डी ई एफ। तो आपको किसका एरिया निकालना है? ये सेगमेंट ए पी बी का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? सेगमेंट ए पी बी, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। और वो कैसे निकलेगा? दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब देखिए ये पूरा आपका हेक्सागन बन रहा है, तो ये 60 डिग्री होगा, ये हर एक एंगल 60 होगा, ये 60, ये 60, ये 60 और ये भी 60।
और ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी 60-60 होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो ये आपका जो ट्राइंगल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला हुआ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस रूट 3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और आर की वैल्यू है 28 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और आर की वैल्यू है 28 सेंटीमीटर। तो देखिए 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस रूट 3/4 इंटू 28 इंटू 28। ये 7 से 4, ये 1 और ये 6। ठीक है, ये 3, ये 11। ठीक है, तो 11 इंटू 4 इंटू 28 बाय 3 माइनस ये 7, 1.73 इंटू 7 इंटू 28। इस एरिया में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये एक सेगमेंट का एरिया आएगा। चलिए अब कैलकुलेट करके बताइए इस रिजल्ट को इस रिजल्ट से सब्ट्रैक्ट करके एरिया बताइए मुझे, एरिया ऑफ सेगमेंट एपीडी और टोटल एरिया ऑफ डिजाइन हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन वो हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, वो 7 है, 3 है, क्या है? देखिए 3 है, हाँ ये एरिया मुझे कैलकुलेट करके बताइए कितना आया। क्या कैलकुलेट करना है, 11 इंटू 4 इंटू 28 डिवाइड बाय, हाँ कितना आया, 8015.8। कैलसी भी यूज करना सिखाना पड़ेगा। यह आया 410.66 और दूसरा एरिया है 71.58 आ रहा है, एक सेकेंड 339.08। यस सर, अभी 410 को माइनस करेंगे तो सर 71 आएगा। ठीक है, यह आया 410.66 माइनस 339.08, सो आंसर इज 71.58। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 71.58 इंटू 6 से, तो ये टोटल एरिया आ जाएगा इंटू सिक्स 429.48। और टोटल कॉस्ट आ जाएगी 429.48 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, तो ये आ गया 150.32 रुपीस। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, टोटल रेट आ जाएगी इस डिजाइन को बनाने की। इज इट क्लियर? यस सर।